आगे बढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स अध्याय नंबर 6 रेखाएं और कोण। ठीक है, इसमें हमने अध्याय नंबर 6 का इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज से हम बात करेंगे प्रश्नावली 6.1 की। तो शुरुआत करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। पहला प्रश्न जो है क्या दिया है, आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे ये ए बी रेखा है और ये सी डी रेखा है, दोनों एक दूसरे को बिंदु ओ पर क्या कर रही है, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। और आपको दिया है यदि ए ओ सी और बी ओ ई दोनों का योग 70 है और बी ओ डी 40 है, तो बी ओ ई एंगल और एंगल सी ओ ई का प्रतिवर्ती ज्ञात करना है, या प्रतिवर्ती सी ओ ई एंगल ज्ञात करना है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। अब हमें इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले तो उसका डायग्राम आपको आपकी सॉल्यूशन कॉपी में नोट कर लेना है स्केल से। ठीक है, यहाँ पे स्केल से बनाइएगा, फ्री हैंड ना बनाइए। उसके बाद आपका अगला काम क्या है, जो भी आपको दिया है सबसे पहले वो भी नोट कर लीजिए, क्योंकि उसकी भी खास ज़रूरत है। ठीक है, तो क्या दिया है हमको, तो एंगल ए ओ सी प्लस में दिया है एंगल बी ओ ई बराबर में आपको दिया है 70 डिग्री। ठीक है, और साथ में आपको एंगल बी ओ डी भी दे दिया है, बी ओ डी बराबर 40 डिग्री, ये आपको दिया है। ठीक है, याद करना, जो आपको यहाँ पे नोट नहीं करना है आप चाहें तो नोट कर सकते हैं वैसे तो। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम नोट कर लेते हैं, एंगल बी ओ ई आपको ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क, और प्रतिवर्ती क्या निकालना है तो ये भी नोट कर लेते हैं। प्रतिवर्ती में एंगल सी ओ ई ये भी आपको ज्ञात करना है, तो ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है गाइस, ये काम तो हमने जो दिया था वो कर लिया है, अभी हमने इसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं किया है। अब हम करते हैं सॉल्यूशन की शुरुआत। तो सॉल्यूशन की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये ए ओ सी एंगल फाइंड करते हैं। अगर हम ए ओ सी फाइंड करके यहाँ रख देंगे तो हमें बी ओ ई मिल जाएगा। ठीक है, बी ओ ई मिलने के बाद हमारा काम क्या हो जाएगा, बी ओ ई ये ज्ञात हो जाएगा, बी ओ ई ज्ञात हो जाएगा तो हम सी ओ ई भी निकाल लेंगे। लेकिन कैसे, तो समझो, देखो अभी उसने बताया कि ये ए बी और ये सी डी दोनों क्या करती है, बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है, और जब भी रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। क्या बनते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है तो जितना एंगल ये होगा उतना का उतना ये भी होगा, क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम बता सकते हैं कोण बी ओ डी बराबर है कोण सी ओ ए के, ठीक है, या ए ओ सी के। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि एंगल ए ओ सी बराबर होगा एंगल बी ओ डी के, और रीज़न आपको दे देना है शीर्षाभिमुख कोण। क्या बता देंगे आप, शीर्षाभिमुख कोण, ये रीज़न आपको देना है साथ में। ठीक, तो अब हम देखते हैं, तो बी ओ डी का मान 40 डिग्री है, तो ए ओ सी बराबर हो जाएगा 40 डिग्री, तो ये ए ओ सी का मान आपने अभी निकाला है। ठीक, अभी तो ए ओ सी का मान निकला है। अब हमें ये जो समीकरण दी गई थी ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 डिग्री, ये हम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर कितना है, 70 डिग्री। तो ए ओ सी का मान कितना है, 40, तो 40 डिग्री प्लस में एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। ठीक है, तो 40 को आप उस तरफ भेज दीजिए, तो एंगल बी ओ ई बराबर 70 माइनस 40 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी ओ ई बराबर 70 में से 40 जाएगा तो बचेगा 30, तो ये आपको निकल के आ गया एंगल बी ओ ई। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका है। अब हम देखते हैं अगला हमें क्या करना है। तो देखो, बी ओ डी निकालना था हमारा, ठीक है, सॉरी बी ओ डी दिया था, बी ओ ई निकालना था, ये हम बी ओ ई निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना है सी ओ ई, ठीक है, क्या निकालना है, सी ओ ई निकालना है, तो निकाल लेते हैं। उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखते हैं सी ओ ई कहाँ आया, ये आ रहा है, और ये ए बी अगर हम देखें तो ए बी एक सीधी रेखा है, क्या ये एक सीधी रेखा है। अब ए बी सीधी रेखा है और इस रेखा के ऊपर 1, 2 और ये 3 कितने कोण बन रहे हैं, 3 कोण, ये इस टाइप से बन रहे हैं 1, 2 और 3। अब ये सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर अगर कोण बनते हैं तो सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसे हम रैखिक युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म। तो 1, 2, 3 तीनों एंगल का जो योग है वो हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो कौन कौन से हैं, तो हम लिख देंगे कोण ए ओ सी, फिर सी ओ ई, फिर बी ओ ई, तीनों का योग 180 डिग्री। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे, चूँकि अगेन आप चूँकि लिख दीजिएगा एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई
बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और इसको हम बोलते हैं रैखिक युग्म। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रैखिक युग्म। ए ओ सी का मान कितना है हमारा? तो ए ओ सी का मान हमने निकाल लिया था पहले, कितना आया था हमारा, तो ये जैसे कि सामने आपको दिया है 40 डिग्री, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। प्लस सी ओ ई हमें निकालना है अभी, तो सी ओ ई ऐसा कैसा रहने दीजिए, बी ओ ई हमारा 30 डिग्री है बराबर में 180 डिग्री, तो एंगल सी ओ ई प्लस 40 और 30 हो जाएगा 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो एंगल सी ओ ई बराबर 70 उस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में 70 डिग्री, तो एंगल सी ओ ई बराबर 110 माइनस 70 सॉरी 180 माइनस 70 करेंगे तो बचेगा 110 डिग्री। ठीक है, तो ये सी ओ ई निकला है, लेकिन हमसे पूछा है प्रतिवर्ती सी ओ ई, तो प्रतिवर्ती सी ओ ई निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना रहता है, समझ लीजिए यहाँ पे प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई निकालना है तो कुछ नहीं करना है, जो भी आपको एंगल है उसको 360 से माइनस कर देना है, तो 360 माइनस 110 करेंगे तो कितना बचेगा 250 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपके प्रतिवर्ती सी ओ ई और ये आपके फाइनल हो जाएगा आंसर। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया है, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं दूसरा सवाल। तो ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये और फाइनली ये। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड सवाल की, दूसरा प्रश्न देखते हैं हम इसका। अगला हमें दिया है आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, ये एक्स वाई और ये एम एन रेखा बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, यदि कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री है, कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री है, जो कि हमें यहाँ पे 90 डिग्री का साइन करके बता दिया, चिन्ह बता दिया। ठीक है, और ए अनुपात बी बराबर है 2:3। ठीक है, तो बोल रहा है कि सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, देखो ज़्यादा आपको डीप में जाना नहीं है, आप यहाँ पे देख लीजिए डायग्राम आपको नोट कर लेना है, उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको ए अनुपात बी दे दिया है 2:3। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिया है करके बता देता हूँ, दिया है क्या, दिया है एंगल पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री, और क्या दिया है, और आपको दिया है ए अनुपात बी बराबर 2:3, यही दिया है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, ये ए और बी कोण को मान लेंगे, माना कि क्या लिखेंगे, माना कि a बराबर 2x तथा b बराबर 3x। अब ऐसा क्यों, a का अनुपात 2 है और b का अनुपात 3 है, तो a का मान 2 हो गया, b का मान 3 हो गया। ठीक है, ये आपने मान लिया। अब मानने के बाद कितनी अच्छी बात हुई है, अच्छी बात ये हुई है कि देखो ये 90 डिग्री कोण है, तो ये भी कितना है, 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री के दो पार्ट हो गए ए और बी, अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो वापस मान कितना आएगा, 90 डिग्री। ठीक है, समझ रहे हो ना, जैसे ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के दो पार्ट, एक ए हो गया एक बी हो गया, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, चूँकि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, कोण आप देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोण लगा सकते हो आप आके, तो ए का मान आपके 2x है और बी का मान आपके 3x है, तो बराबर 90। ठीक है, 2 और 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5x बराबर 90, एक्स का मान निकाल लेंगे तो 90/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 बचेंगे तो 5 और 8 40, तो यहाँ पे एक्स का मान कितना आया निकल के 18, कितना आया निकल के 18, तो ये तो एक्स का मान है। अब हमें कोण ए और बी का मान निकालना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ डायरेक्ट आप लिख दीजिए, यहाँ ए बराबर कितना था 2x, तो 2 गुणित इस x का मान तो आपके पास आ चुका है, तो a का मान कितना आ जाएगा 18 दुनी 36, तो 18 का मान आ गया 36। उसके बाद आप b का निकाल लीजिए, b का मान कितना था 3x, तो b बराबर 3 गुणित x की जगह फिर से 18, क्योंकि 18 आप निकाल चुके हैं, 18 3 54, तो यहाँ पे b का मान आपके पास 54 आ चुका है। हो गया आपका a और b का काम। अभी लेकिन हमसे पूछा है c का मान, क्या पूछा है हमसे, c का मान, तो अब c एंगल कहाँ आ रहा है, देखो c एंगल ही आ रहा है। अब अगर हम MN को रेखिक युग्म, बताया मैंने पहले वाले क्वेश्चन में, MN रेखा को सीधी लाइन समझे, तो इसके ऊपर एक एंगल बन रहा है B और एक बन रहा है C, तो B और C दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये रेखिक युग्म बना रहे, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, चूँकि B प्लस C बराबर 180 डिग्री, रीज़न आप दे दीजिए रेखिक युग्म, क्या बता देंगे, रेखिक युग्म, तो B कितना है आपका 54 और C बराबर 180 डिग्री, 54 को उधर भेज दीजिए तो काय का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, तो C का मान कितना हो जाएगा, ये 10 में से 4 गए तो 6 बचे, 7 में से 5 गए तो 2 बचे।
ठीक है, एक ऐसा कैसा, सी का मान है आपके 126 डिग्री, अगर सी कोण है तो डिग्री आप लगा दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सवाल नंबर दूसरा या प्रश्न क्रमांक सेकंड भी आपको समझ में आया है, और अगर फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए यहाँ से, ये उसके बाद ये उसके बाद ये, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका तीसरे नंबर का जो सवाल आपको दिया है वो वाला, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा ये रहा आपका, क्या दिया है आपको, आकृति 6.15 में यदि कोण PQR बराबर है कोण PRQ, तो सिद्ध करना है कि कोण PQS बराबर PRT होता है, ठीक है। तो करते हैं शुरुआत, कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम डायग्राम नोट कर लेते हैं। तो प्रश्न में हमें ये दे दिया है, क्या दिया है कि कोण PQR के बराबर है PRQ, और सिद्ध हमको ये करना है, और ये आपको चित्र दे दिया, डायग्राम दे दिया है, ठीक है। हल करना है तो हल करने के लिए हम इसको प्रमेय समझ के उपपत्ति डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या डाल देते हैं, उपपत्ति। अब करते हैं शुरुआत, अब इसको कैसे हल करेंगे समझ लीजिए, ठीक है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को हल करने की, तो देखो शुरुआत कुछ हम इस वाली पॉइंट से करते हैं, SQ वाले से, ठीक है। अगर हम देखें तो ये ST एक सीधी रेखा है, क्या है, एक सीधी रेखा है, और इस सीधी रेखा पर एक लाइन ये बनी हुई है, मतलब कि एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये बना रहे हैं रैखिक युग्म, सीधी रेखा पर दो कोण बन रहे हैं, तो दोनों का योग 180 डिग्री। अब वो दो कोण कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, तो देखो ये हो जाएगा PQS, ठीक, और PQR, समझ रहे हो, PQS एक कोण, PQR दूसरा कोण। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, चूँकि कोण PQS प्लस कोण PQR बराबर 180 डिग्री, और इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। और ये क्यों आया है, तो आप इसको रीजन बता दीजिए कोष्टक में, रैखिक युग्म, क्या बता देंगे, रैखिक युग्म, ये हो गया। इसी प्रकार से फिर हम लिखेंगे तथा, यहाँ पे भी देखो ये भी सीधी रेखा ही है, तो ये बन रहे दो कोण, तो इन दोनों का योग भी हो गया 180 डिग्री, तो कोण PRT और PRQ, तो कोण PRT प्लस कोण PRQ बराबर 180 डिग्री, और फिर से इसको दे दिया समीकरण 2, और रैखिक युग्म लिखना नहीं है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं इसी प्रकार करके, ठीक है। तो बार बार आपको रैखिक युग्म नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, समीकरण 1 में जो राइट हैंड साइड है 180 डिग्री है, समीकरण 2 में राइट हैंड साइड जो है 180 डिग्री है, अगर ये 180 और ये 180 है तो ये दोनों भी क्या हो जाएगी, बराबर। तो क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से, एक व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, तो कोण PQS प्लस कोण PQR पहली समीकरण की साइड बराबर में दूसरे समीकरण की साइड, ठीक है, ये आपको इस स्टेप से लिख लेना है, ठीक है, हो गया। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे, तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, ऊपर में देख PQR बराबर PRQ है, क्या है, PQR बराबर PRQ है, तो हम PRQ की जगह PQR और PQR की जगह PRQ लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे PQR है और इस तरफ PRQ है, तो क्यों ना PQR को हटा के जो हमें दिया है उसकी सहायता से हम PRQ कर दें यहाँ पे, तो PQS प्लस इसकी जगह हम लिख देंगे P, इसको आप चाहें तो कथन नंबर A दे दीजिए, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या है कि थोड़ा हमारा अच्छा हो जाएगा, क्या लिख देंगे, समीकरण A से, क्या हो जाएगा, समीकरण A से, ठीक है। एक और दो हमने इसको दे दिया ना, इसलिए उसको A नाम दे दिया। PQR, इस PQR की जगह हम क्या लिख रहे हैं, PRQ बराबर PRT प्लस PR, अब PRQ इस तरफ है, PRQ इस तरफ है, तो ये हो जाएगा कैंसिल आपके, तो यहाँ से बचेगा PQS बराबर में PRT, और यही तो आपको सिद्ध करके देना था, तो हम लिख सकते हैं इति सिद्धम किताब की लैंग्वेज में, और ये आपका हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया है, और अगर फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, देखो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए यहाँ से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये उसके बाद ये उसके बाद ये। अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ नंबर के सवाल की, मतलब कि चौथा सवाल, प्रश्न क्या दिया है आपको, तो देख लेते हैं। देखो आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है, ये w है ना, तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है, हमें सिद्ध करना है कि ये A
ओ बी एक रेखा है, ठीक। तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, डब्ल्यू प्लस जेड है, ठीक है, यही दिया है हमको। तो जो दिया है वो हम नोट कर लेते हैं, बाकी हम इसको आगे हल करते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। हम देखते हैं, तो ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया है, डायग्राम भी है ना, डायग्राम आपको आपकी जो है स्केल की सहायता से बना लेना है, मैंने फ्री हैंड बनाया है। यहाँ पे दिया है एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, और सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है, ठीक है। शुरुआत करेंगे इसकी, तो उपपत्ति लिख देंगे यहाँ पे, और उपपत्ति लिखने के बाद हल करते हैं। देखो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जो चारों पॉइंट आपको बताएं, मतलब ये जो कोण बताए हैं, चारों कोण इस ओ बिंदु के चारों ओर बन रहे हैं, ठीक है। बीच में ओ बिंदु है और चारों कोण बन रहे हैं, तो एक बात आपको पता होनी चाहिए कि किसी बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, तो होता है 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, चूँकि हम जानते हैं कि क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग, ये लाइन आप लिखेंगे ज़्यादा बेटर होगा, कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। कितना होता है, 360 डिग्री। और ये बिंदु O है, इसके चारों ओर बन रहा है कोण हमारे एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस में जेड बराबर 360 डिग्री, चारों का कोणों का योग 360 डिग्री। तो अगली कंडीशन में हम इसे सेपरेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सेपरेट ये एक्स प्लस वाई और ये डब्ल्यू प्लस जेड को सेपरेट कर लिया, बराबर 360 डिग्री, ठीक। अब हम इसको समीकरण नंबर एक देते हैं, दिया है करके उसको, देखो एक्स प्लस वाई के बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है, ये हमको क्वेश्चन में दिया है। तो क्या हम एक्स प्लस वाई की जगह डब्ल्यू प्लस जेड या डब्ल्यू प्लस जेड की जगह एक्स प्लस वाई रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं। तो रख देते हैं यहाँ पे, तो लिख देंगे यहाँ पे समीकरण एक से, क्या लिख देंगे, समीकरण एक से। अब समीकरण एक से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे डब्ल्यू प्लस जेड की जगह हम क्या लिख देते हैं, एक्स वाई, ठीक है। तो ये एक्स प्लस वाई पहले से है, और डब्ल्यू प्लस जेड की जगह भी क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई, कोष्टक से भी आप बाहर निकाल दीजिएगा, ठीक है। एक्स प्लस वाई, एक्स और एक्स मिल के दो एक्स, वाई और वाई मिल के दो वाई, बराबर 360 डिग्री। अब देखो इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, तो दो को हमने ले लिया कॉमन, क्या ले लिया यहाँ से, तो दो को हमने निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ से बचा एक्स और यहाँ से बचा प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। अब जो दो कॉमन लिया ना, वो इस कोष्टक के गुणित में आएगा, ठीक है भैया। इसको कॉमन लेना बोलते हैं, कॉमन मतलब जो दोनों पदों में होता है और उसको बाहर निकाल के एक ही बार लिखते हैं। अब जो गुणित में होता है तो बटे में जाता है, ठीक है, ये भी आपको पता है। तो 360 के बटे में क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा, दो एकम दो, दो एकम दो, एक बचेगा 16, दो अटी 16 और ये 0। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो रहा है, 180 डिग्री। तो देखो आप एक्स प्लस वाई कहाँ दिख रहा है, ये एक्स और ये वाई दोनों मिलके कितना बना रहे, 180 डिग्री। अगर ये दोनों 180 बना रहे तो ये एक सीधी रेखा होगी, क्योंकि ये दोनों रेखीय युग्म बना रहे, ठीक है। क्योंकि सीधी रेखा जो होती है उसके दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, कब, जब वो रेखीय युग्म बनाए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि क्या बना रहे हैं, ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। और अगर रैखिक युग्म बनाते हैं तो ए बी आपके क्या हो जाएगी, रेखा हो जाएगी। तो क्या लिख देंगे, अतः ए बी एक रेखा है, सॉरी अतः ए ओ बी एक रेखा है, ठीक है गाइस। और यही हमको सॉल्व करना था, आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, पाँचवा, ठीक है, ये उसके बाद ये और उसके बाद ये। अब हम देखते हैं इसका पांचवे नंबर का क्वेश्चन। अगला आपका जो पांचवा सवाल है वो आपको कुछ इस प्रकार दिया है, आकृति 6.17 में पी ओ क्यू एक रेखा है, कौन सी, पी ओ क्यू एक रेखा दी है, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंबे, ये ओ आर पी क्यू पर लंबे है ना, किरणों ओ पी और ओ आर के बीच ओ एस एक अन्य किरण है, सिद्ध करना है आपको ये कोण आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, ठीक है। जो भी सवाल आपको दिया है, सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं कि वो सवाल को नोट कर लेते हैं, बात की जात में देखेंगे क्या करना है उसमें, ठीक है, आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे हल करेंगे। सबसे पहले जो दिया है वो कर लिया है, अब सिद्ध हमें क्या करना है, तो आर ओ एस के बराबर में हमको ये लेके आना है। देख कोष्टक में आया है यहाँ पे, जो सिद्ध करना है उसमें कोण क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस लाना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी उत्पत्ति में हमको थोड़ा समझ में आया कि हमें जो लाना है कम से कम वो तो हमें लेके चलना पड़ेगा, मतलब कोण क्यू ओ एस और कोण पी ओ एस आपको चाहिए, तो आप क्यू ओ एस और पी ओ एस के मान निकाल लीजिए, ठीक है। तो हम देख लेंगे यहाँ पे कोण क्यू ओ एस बराबर,
अब क्यू ओ एस बराबर क्या हो जाएगा वो हमें देखना है। अब क्यू ओ एस कहाँ आ रहा है, देखो ये क्यू, ये ओ और ये एस, ये क्यू ओ एस, ठीक है, क्यू ओ एस, तो इसके बीच में एक और एक दो कोण बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, एक और एक दो कोण। तो इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो हमें क्यू ओ एस मिल जाएगा। तो जोड़ लेते हैं, तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कोण आर ओ एस प्लस कोण आर ओ और क्यू। कैसे, है ना, ये पूरा निकालना है ना यहाँ से यहाँ तक का, तो इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा। तो कोण आर ओ एस प्लस कोण आर ओ क्यू, ठीक है, इसको दे दीजिए समीकरण एक। ये हो गया, पी ओ एस निकाल लेते हैं। तो पी ओ एस बराबर, अब पी ओ एस कहाँ है, पी ओ एस यहाँ पे आ रहा है। तो पी ओ एस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पी ओ आर माइनस करेंगे आर ओ एस, ठीक है, समझना फिर से, हमको क्या निकालना है, पी ओ एस निकालना है, ये वाला इतना सा निकालना है और ये पूरा है। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इस पूरे में से ये माइनस कर देंगे, समझना फिर से, ये पूरा है, इस पूरे में से ये माइनस कर देंगे इतना इतना, तो खाली ये बचेगा, ठीक है। फिर से सुनना, आपको ये वाला निकालना है, ये निकालना, तो इस पूरे 90 वाले में से इसमें से ये वाला पार्ट हटा देंगे। तो कैसे, तो देखो पूरा क्या है आपके पी ओ आर, तो क्या लिखेंगे, पी ओ आर माइनस कर देंगे ये आर ओ एस, तो ये बच जाएगा, ठीक है, आर ओ एस, ठीक है, ये बच जाएगा। इसमें हम क्या देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो चाहे तो आप समीकरण नंबर दो दे सकते हैं, तो दे दीजिए समीकरण नंबर दो, क्या दे दीजिए, समीकरण नंबर दो। अब हमको एक बात और पता है, चूँकि क्या प्रश्न में हमको दिया है कि ओ आर जो है पी क्यू पर लंब है, ओ आर जो है ओ आर पी क्यू पर लंब है, तो ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, पूरा एंगल आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, दोनों बराबर है, तो क्या लिख सकते हैं, आर ओ क्यू बराबर आर ओ पी या पी ओ आर, ठीक है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल पी ओ आर बराबर हो जाएगा आर ओ क्यू, और क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री दिए हमें, ठीक है, ये वाला कौन सा पी ओ आर और हो जाएगा आपके आर ओ क्यू, दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। अब अगर पी ओ आर के बराबर आर ओ क्यू है, तो क्या हम इस पी ओ आर की जगह आर ओ क्यू रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं। तो फिर से लिखेंगे समीकरण दो से, किससे लिख देंगे, समीकरण दो से पी ओ एस बराबर पी ओ आर की जगह हो जाएगा एंगल आर ओ क्यू माइनस एंगल आर ओ एस, और इसको आप चाहें तो समीकरण नंबर तीन नाम दे सकते हैं, ठीक है, क्या दे देंगे, समीकरण तीन। अब हम अगली पिक्चर में हमें क्या करना है कि हमें मतलब अगली पिक्चर क्या मतलब अगला जो स्टेप आएगी है ना, माइनस लाना है। अब माइनस लाना है क्यू ओ एस और पी ओ एस के बीच में, तो ये क्यू ओ एस और ये पी ओ एस, तो दोनों को माइनस कर देंगे ना सीधा काम, क्या लिख देंगे, समीकरण एक में से समीकरण तीन को घटाने पर, तो समीकरण एक माइनस समीकरण तीन, तो समीकरण एक का जो लेफ्ट साइड है वो है कोण क्यू ओ एस माइनस समीकरण तीन में कोण पी ओ एस बराबर, इसकी राइट हैंड साइड है समीकरण की आर ओ एस प्लस कोण आर ओ क्यू, कोष्टक ले लेंगे माइनस कर रहे हैं तो, और यहाँ पे हो जाएगा आपके कोण आर ओ क्यू माइनस आर ओ एस, ठीक है, क्या हो जाएगा आर ओ एस, ठीक है, ये आपको कर देना है यहाँ पे। अब हम क्या देखते हैं, तो अगले स्टेप में कोष्टक से बाहर निकाल लेते हैं, तो क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस बराबर कोण आर ओ एस प्लस कोण आर ओ क्यू, कोष्टक खोलेंगे तो माइनस का गुणा हो जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस है ना, माइनस माइनस प्लस, तो अगले स्टेप में क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस बराबर, देखो ये प्लस का आर ओ क्यू है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस कैंसिल, ये आर ओ एस प्लस आर ओ एस, तो दो आर ओ एस हो जाएगा, जुड़ जाएंगे ना, एक कोण और एक कोण मिलके दो कोण। अब ये दो जो है इसके गुणित में है ना, कुछ नहीं है तो गुणित में है, तो गुणित वाला तो सामने बटे में जाता है, तो इसके बटे में आ जाएगा कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस के बटे में आ जाएगा दो, और हो जाएगा एंगल आर ओ एस। अब दो को हम बाहर निकाल लेंगे तो एक बटे दो करके बाहर निकल जाएगा, यहाँ बचेगा कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस बराबर कोण आर ओ एस, जमा के भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे आर ओ एस बराबर एक बटे दो कोष्टक में कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, और शायद आपको यही सिद्ध करने के लिए दिया था क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, देखिए यही सिद्ध करना था।
तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी डाउट रह जाता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, यहाँ से समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करिए, मैं बोर्ड पे समझा दूंगा इसको, आपको कॉपी में नहीं आ रहा है तो, ठीक है गाइस। और ये आपका फाइनल आंसर। आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6.2 के साथ, क्योंकि नेक्स्ट इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी सॉल्व करने लायक नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। यह दिया है 64xy को बिंदु P तक बढ़ाए, इस सूचना से एक आकृति खींचिए, ठीक है, समद्विभाजित करती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में नहीं पूछते हैं, इसलिए इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हम बात करेंगे 6.2 की, जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगी। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।